हिंदी सिनेमा की दिग्गज अदाकारा जीनत अमान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वे अक्सर अपनी फिल्मों के दिलचस्प किस्से फैंस के साथ शेयर करती हैं। हाल ही में एक्ट्रेस ने हरे रामा हरे कृष्णा मूवी के गाने दम मारो दम का दिलचस्प किस्सा शेयर किया है। नशे में धुत एक्ट्रेस ने गाने की शूटिंग की थी। जीनत अमान को फिल्मी दुनिया में सफलता देवानंद की फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा से मिली थी। 1971 में रिलीज हुई यह फिल्म हिट रही थी और इसे दर्शकों व क्रिटिक्स ने भी सहारा था। फिल्म में जीनत अमान को एक ऐसी लड़की के रूप में दिखाया गया था जो हिप्पियों के बीच नशे में धुत रहती है। फिल्म में जीनत ने देवानंद की बहन का किरदार निभाया था। अपनी फिल्म करियर से जुड़े दिलचस्प किस्से शेयर करने वाली जीनत अमान ने एक हालिया पोस्ट के जरिए हरे रामा हरे कृष्णा के सुपरहिट गाने दम मारो दम का किस्सा शेयर किया है। जीनत अमान ने दम मारो दम के गाने की एक फोटो इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर की है और लंबा चौड़ा नोट लिखकर बताया है कि गाने की शूटिंग के वक्त सचमुच नशे में धुत थी। एक्ट्रेस ने लिखा, हम काठमांडू में हरे रामा हरे कृष्णा की शूटिंग कर रहे थे और देव साहब ने गाने में शामिल होने के लिए सड़कों से हिप्पियों का एक झुंड इकट्ठा किया था। कौन सा गाना? तस्वीर से ही पता चल जाता है, दम मारो दम। जीनत अमान ने आगे कहा, हिप्पी एक्स्ट्रा कलाकार अपनी किस्मत से बहुत खुश थे। उन्हें ना केवल खूबसूरत नेपाल में हशीश के साथ अपनी चिलम पैक करने का मौका मिल रहा था बल्कि उन्हें मुफ्त में खाना भी मिल रहा था। वे बॉलीवुड की एक फिल्म में काम करने जा रहे थे और इसके लिए उन्हें पैसे भी मिल रहे थे। जीनत ने कहा, अब देव साहब इस सीक्वेंस में रियलिटी चाहते थे। मेरे किरदार नशे में धुत जेनिस को वाकई नशे में दिखना था और इसे हासिल करने का सबसे आसान तरीका था हिप्पी प्रसाद में हिस्सा लेना। मैं उस वक्त टीनेज थी और लगातार टेक के लिए उनकी चिलम से लंबे कश ले रही थी। जीनत ने बताया कि शूटिंग के बाद उन पर नशा चढ़ गया था। वह खुश थी और उन्हें चक्कर भी आ रहा था और होटल लौटने की स्थिति में भी नहीं थी। तब टीम के सदस्य उन्हें कार में बिठाकर एक सुंदर जगह ले गए और वहां ठंडी पहाड़ी हवा में हिमालय के बारे में सोचा और धीरे धीरे उनका नशा कम हुआ। जीनत ने आगे बताया, जब इस बात का पता उनकी माँ को चला तो वह कितना नाराज हुई थी। बकौल एक्ट्रेस, जब मेरी माँ को पता चला कि क्या हुआ था तो वह बहुत नाराज हुई और उन्होंने अपनी प्यारी बेटी को ड्रग्स करने की अनुमति देने के लिए सीनियर क्रू मेंबर्स को कड़ी फटकार लगाई। सौभाग्य से मैं उनके क्रोध से बच गई। क्या कर सकते हैं, 70 के दशक में मैं एक फ्लावर बेबी जैसी थी। मालूम हो कि अक्टूबर के महीने में जीनत अमान मुंबई, दिल्ली और जयपुर में जाकर लाइव बैंड के जरिए फिल्म सेट से जुड़े दिलचस्प किस्से शेयर करेंगी। फॉर मोर बॉलीवुड न्यूज़ प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल बॉलीवुड हिकअप्स।